गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों टाइम हो रहा है यहाँ पे सुबह के 2, सुबह के बोल रहे हैं रात के। सो यार अभी तक हम सोई नहीं, हम तो खेल रहे थे फ्री फायर में और गीतांशु। सो यार अभी नींद आ रही है तो आपसे सुबह मिलते हैं, इंट्रो भी सुबह करेंगे, ठीक है? चलो सोते हैं, चलो। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो दोस्तों टाइम हो रहा है यहाँ पे सुबह के 11 और अभी तक हम दोनों तो सोए हुए थे भाई, मतलब बहुत अच्छी नींद आ रही थी। तो चलो दोस्तों ज़्यादा देर का चूतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। सो मम्मी बना रहे हैं अभी खाना, बनाने की तैयारी हो रही है। ये क्या बन रहा है? गोभी के पराठे भाई, आज तो मज़ा आने वाला है। और दोस्तों यार सुबह सुबह मैसेज आया जिसने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचा दी है। मतलब जो हमारे 12th क्लास है, मैं जैसे 12th में हूँ, सो हमारे हरियाणा बोर्ड ने क्या किया, सारे पेपर्स कर दिए हैं कैंसिल। तो दोस्तों दिल से को बहुत खुशी है, बस ऐसे हरियाणा बोर्ड करते रहे, हम कोरोना में उनका साथ देने को तैयार हैं, बेशक हमें पेपर ना देने पड़े। चलो कोई बात नहीं, अपने देश के लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम। सो भाई दिल को यार बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यार। सो मैं मतलब इतनी खुशी हो रही है, क्या बताओ मेरे को कितनी खुशी हो रही है भाई। इतनी खुशी मुझे, मतलब अब मन कर रहा है दोबारा इंट्रो कर देते हैं, ठीक है? सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलो दोस्तों व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। मम्मी अभी कर रहे कद्दूकस गोभी को, इसके बनेंगे भाई मतलब शानदार पराठे। तो साथ में तो आपको पता है मैं क्या खाने वाला हूँ, चाय और पराठे भाई। अपनी हरियाणा की डिश है ये फेमस, चाय पराठा सुबह सुबह। मैं मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बचपन से खाता आ रहा हूँ इसलिए अभी भी खाता हूँ। सो अभी घर में दूध ख़त्म है तो अभी बाजार से लेके आना पड़ेगा मेरे को दूध, क्योंकि काली चाय तो भाई मैं पी नहीं सकता, मम्मी और गीतांशु पी लेते हैं, मैं नहीं पीता भाई। सो अभी लेके आएंगे दूध। सो ये रहे पैसे, तो चलो बाजार से लेके आता हूँ मैं दूध। तो मैं दूध वगैरह तो ले आया हूँ दोस्तों। ये देखो मम्मी यहाँ बना रहे पराठे और चाय, साथ में गोभी वाले पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। देखो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं भाई, इसमें गोभी फिलिंग करके बन रहे हैं ये। तो लगता है यार पानी वगैरह सब गर्म हो चुका होगा, गीजर से आवाज़ आ रही है। सो यार नहाने का तो मेरा सच में आज यार मन सा नहीं कर रहा है, पर क्या करें यार नहाना तो पड़ेगा, क्योंकि यार जब तक नहाए ना तो यार खुद से मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार कि मैं क्यों नहीं नहाया, मतलब समझ रहे हो ना। सो यार पहले नहा धो लेता हूँ अच्छे से। मैं सोच रहा हूँ कि ना आज गीतांशु के ऊपर प्रैंक किया जाए, ठीक है भाई? गीतांशु पे करेंगे प्रैंक, मतलब अभी तुम प्रैंक तुम्हारे को पता है तुम देख लेना, ठीक है? तो आज हम पक्का करने वाले उसके साथ प्रैंक, यार पूरी कोशिश करूँगा अगर होगा तो। चलो पहले नहा धो लेता हूँ मैं। सो गाइस मैं अच्छे से नहा चुका हूँ। सो अब दोस्तों बस वेट करते हैं गीतांशु कब उठता है और कब उस पर खतरनाक वाला प्रैंक करें हम। चलो दोस्तों पूरी कोशिश करने वाला हूँ मैं प्रैंक की। A few moments later. दोस्तों गीतांशु नहाने गया हुआ है, अभी आ रहा है वो, तो उसके बाद हम प्रैंक स्टार्ट करते हैं। मैं उसको कहूँगा कि एक चैलेंज है, तो चैलेंज दोस्तों चैलेंज हम करने वाले हैं गीतांशु के साथ। तो उस चैलेंज में क्या होगा दोस्तों, हम मतलब इसकी आँख में पट्टी बांधेंगे और इसको कुछ 5 चीज़ें देंगे, और 5 चीज़ों में से अगर इसने किसी भी 3 चीज़ों का सही नाम बता दिया तो इसको मिलेगी ये फ्रूटी, ठीक है दोस्तों? तो रुक जाओ उसको आने देते हैं, उसके बाद चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों गीतांशु यहाँ पे आ चुका है नहा धो के अच्छे से। सो अभी इसके साथ करने वाले हम चैलेंज। सो दोस्तों करेंगे क्या, मैं इससे कोई भी चीज़ें आँखें बंद करके सवाल पूछूंगा और अगर ये जीत गया तो इसको देंगे फ्रूटी, तो ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले रुको मम्मी कैमरा पकड़ेंगे, पकड़ो। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले देखो ये चीज़ है हमने बनाई हुई। सो इसको पहले इसके हाथ में डालेंगे, चक्के रखना, ठीक है? इसने ठीक है बाहर बढ़िया चश्मा उतार देते आँखों पे। पहले हम इसके दोस्तों आँखों पे बांध देंगे कुछ, सबसे पहले इसकी आँख पे कुछ बांध देता हूँ मैं, थोड़ा क्या हो ये चुन्नी सी इसकी आँख पे बांध देते हैं। तो दोस्तों इस चैलेंज में यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। Mama
सुन रहा कुछ? चलो दोस्तों पट्टी बन चुकी है, सब इसके हाथ में हम एक एक करके सामान देंगे, जरा देखते हैं ये बात को पहचान सकता है नहीं। ठीक है चलो सबसे पहले इसको देंगे हम, ये क्या है? इसने एक सवाल ठीक दे दिया। ठीक है दोस्तों अब इससे बात करते हैं हम दूसरी चीज की। चलो दूसरी चीज की बात करते हैं, ये क्या है? चलो दोस्तों इसने चश्मा भी एकदम ठीक बोल दिया है, सो अब इसको पकड़ाएंगे। तीसरी चीज इधर लाओ कैमरा, तो इसको तेने सूंघ के बताना है कि ये क्या है। ये तीसरी चीज जिसको इसे सूंघ के बताने कि ये क्या है। ले भाई पकड़, थोड़ा आगे कर ले हाथ अपने, आगे कर ले, थोड़े आगे कर ले, रुक जा, जब मैं कहूँगा तब सूंघना। ठीक है अभी नहीं, रेडी स्टेडी गो। आए हाय मिशन फेल। ये कैसे सूंघ रहा है? तो दो को ही इकट्ठे काटने पड़ते हैं मुंह में। नहीं मिशन पास बस कैसे लग रहा है? नीचे मत थूक पागल। और दो दिन दो भी शर्ट कितनी कर दिया आपकी मतलब लग रहा आपको अभी एक शर्ट नहीं भाई कर दी कैसा लग रहा है? नहीं शर्ट नहीं कर दी अब मैं चलाऊंगा जोर वो जोर से वो जोर ना पागल है अभी भी नहीं नहीं थोड़ी निकाल निकाल दियो लेकिन पानी नहीं होगी ओ झूठ जाने ये झड़जे की अट्टा है। अच्छा इधर तो देख एक बारी खा तो नहीं इधर यार पेट में दर्द हो रही है जो ऐसे दिखा दे इधर दिखा दा ले ले भाई इसने क्या करा करो क्या सीखता है शु भाई हमारा प्रैंक वैसे सक्सेसफुल नहीं रहा पर हमने उसको फिर भी सक्सेसफुल कर दिया दोस्तों ये देखो कैसा लगा हमारा प्रैंक दोस्तों। देखा हम मतलब फ्लॉप प्रैंक को भी हमने कर दिया खतरनाक भाई बेशक हमें हाथ से करना पड़ा, इसने टाइट पकड़े हुए थे हाथ तो भाई मैंने अभी यूट्यूब में देखा था तो भाई ऐसे ऐसे ही था पर हमारा वर्क नहीं करा पर हमने फिर भी उसको वर्क करवा दिया। ठीक है भाई तो भाई अगर अच्छा लगा तो लाइक करना पर हमने तो भाई यार प्रैंक तो बहुत खतरनाक किया था पर थोड़ा सा यार समझा करो यार, मम्मी को वीडियो वगैरह बनानी नहीं आती बिल्कुल भी, सो मम्मी ने थोड़ा मतलब नीचे को कैमरा करके बना दिया तो रिएक्शन वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं ले पाए। सो प्रैंक तो यार मैंने करा था तो ये कोई ज़्यादा मतलब बड़ा प्रैंक नहीं था, छोटा सा प्रैंक था, तो कैसा लगा भाई ज़रूर बताना। सो यार अभी इतना ही करा मतलब छोटा सा प्रैंक, बड़े वाला प्रैंक भी करूँगा जरूर करूँगा, पहले 700 सब्सक्राइबर करो उस पर मतलब हम बहुत खतरनाक वाला प्रैंक करने वाले हैं और किसके साथ करने वाले हैं वो आपको तभी पता लगेगा। तो यार 700 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराओ। सो अभी मैं पी रहा हूँ ये चैलेंज वाली फ्रूटी क्योंकि है तो मेरी थी ना भाई, गीतांशु को लालच दिया था। मम्मी अपना यहाँ बैठे हुए हैं, आपने सारी वीडियो ख़राब कर दी मेरी। आपको वीडियो नहीं बनानी आई? सारी वीडियो ख़राब कर दी। कैसा लगा प्रैंक छोटा सा है वे? प्रैंक कैसा लगा बोल? इसके अभी तक अट्टा लगा हुआ है भाई तेरा अट्टा लगा हुआ है, बेचारा नहा के आया इसका काम ही हो गया। सो गाइस टाइम हो चुका है यहाँ पे शाम के 5 और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था दिन में, सो अभी उठ चुका हूँ, अभी लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। सो अभी मम्मी कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो तो तभी पता लगेगा जब मम्मी उठ जाएंगे, तो अभी मम्मी सोए हुए हैं। सो चलो मम्मी से पूछते हैं एक बार जरा मम्मी उठेंगे कब और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा, चाय वगैरह। मम्मी मम्मी उठ जाओ, उठो चाय बनाओ, चलो। सो मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे चाय। और ये क्या है? ये क्या देखो और रहने दे यार, ये कौन से फैशन चल रहा है आपको? स्कूल का फैशन। तो देखो मम्मी चाय बना रही है। तूने काट के रखे मैंने लगा दी। और यहाँ टंकी खोली हुई है, एक ही खोली है, पानी आ रहा है ना थोड़ा। भाई देखो कितनी गहरी है भाई, अगर इसमें डूब जाए तो क्या मजा आ जाए। अरे टीवी तुझे क्या बताएं यार, तेरी कितनी याद आ रही है, फिल्म तो कभी सीरियल, कभी सीरियल तो कभी डिस्कवरी। सो यार अब इसके बिना दिन सूखे सूखे होने लगे हैं। सो अब इसका रिमोट पता नहीं कब मिलेगा भाई, लॉकडाउन चला हुआ है। कहाँ चला हुआ लॉकडाउन तो चला हुआ ही नहीं मम्मी, है ना? पता नहीं, अंकल कह रहे थे दुकान वाले की रिमोट तब मिलेगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन तो आई नहीं। सो हमारी चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है, चाय के साथ क्या खाएंगे हम?
आज कुछ भी नहीं चाहिए। खाओ कुछ, आज खाली पियेंगे। तो भाई आज कुछ है नहीं खाने को घर में, चाय के साथ इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। सो अभी कुछ खाने की प्लानिंग चल रही है बाहर से मंगा के। क्या लाने वाला है तू भाई? मेरे लिए कुछ और लेके आना, मैं वो खा के तंग हो गया। पैसे कहाँ गए इसमें से? मेरे को क्या पता, एक तो मम्मी को कभी ये नहीं पता लगता पैसे कहाँ गए, कोई लेगा भी नहीं। मतलब ना, मतलब मम्मी ऐसे कही, कहाँ गए यार पैसे, कहाँ चले गए? बड़े अच्छे वाइस सेटिंग बहुत तगड़ी है मम्मी की। अभी मैंने अंदर रखे थे, इसके ऊपर थे पड़े हुए यार, जब तुम लेके आया था डिब्बो। क्या लाया मैं? पैसे। पैसे क्या लेके आया था? इसमें लेके आया था दूध लाके। हाँ। सो अभी पी रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे चाय। टाइम कितना हो गया मम्मी? वो भी जाने देना अभी। अब जाके आंखें खुल रही है भाई, दिन में मतलब इतनी अच्छी नींद आई मेरे को। सो दोस्तों अब चाय पियेंगे आराम से, कुछ खाने को लेके आ रहा है वो। टाइम हो चुका है यहाँ पे 5:40, तो मतलब 6 बजने वाले हैं। सो गाइस अभी जाने वाले हैं हम रेलवे ग्राउंड शिवम के घर से, बाइक पे जाएंगे 3 बंदे। सो अभी शिवम आ रहा है, अभी घर पे है वो। सो अभी वो आएगा, मैं सन्नी भैया और शिवम, इनकी बाइक है जो स्प्लेंडर ये वाली, इस पर जाएंगे अभी हम रेलवे ग्राउंड, और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा रेलवे ग्राउंड का। तो हम घर से निकल चुके हैं, तैयार हो जाने को? हाँ जी। तो भाई अभी सन्नी भैया जा रहे हैं, शिवम भी जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं वैसे? ऐसी वीडियो बनाने। एक्सरसाइज की? जुबुजल। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। सो अभी चलेंगे भाई, मतलब आपको रेलवे ग्राउंड का नज़ारा भी दिखा देंगे, और सन्नी भैया जो वर्कआउट वगैरह जो वहाँ करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। शिवम बाइक निकाल रहा है देखो। सन्नी भैया ड्रामा कर रहे थे कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, शिवम कह रहा ठीक है मैं जा रहा। अब आ गए देखो। देखो दोस्तों हम आ चुके हैं, मतलब ग्राउंड में हम आ चुके हैं। सो ग्राउंड देख सकते हो तुम भाई अंदर, बढ़िया आज मतलब धूप अच्छी लगी हुई है। सो हमने ग्राउंड वगैरह सब बदल लिया है, हम यहाँ वाले ग्राउंड पे आ गए क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सो अभी शिवम यहाँ पे अपनी बाइक लगा रहा है, फिर अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं ग्राउंड। ये वाला थोड़ा छोटा है सो दोस्तों, पर फिर भी ठीक है ये, कम से कम यहाँ भीड़ तो कम है। तो चलो अंदर चलते हैं ग्राउंड के। तुम ग्राउंड देख सकते हो यार, यहाँ पे बहुत बढ़िया आज हरा हरा लग रहा है भाई, हम बहुत बैट बॉल खेले हैं यहाँ पे। सो भाई यहाँ का भी प्लान चेंज हो रहा है इनका, क्योंकि यहाँ भी भीड़ है। ये वाला ग्राउंड भी पसंद नहीं आया क्योंकि मतलब यहाँ भी क्रिकेट क्रुकेट चल रहा है, तो अब फिर से लोकेशन बदल रहे हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर से लोकेशन बदल के कहीं और। देखो तुम कालका स्टेशन का नज़ारा भाई, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी मतलब सारा खाली पड़ा है। ट्रेन एक अपनी मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, मजे से पटरी पर सब खाली है भाई, मतलब मज़ा आ गया। सब मज़े से जाएंगे हम सीधा ग्राउंड में। सो सन्नी भैया की एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे। चलते हैं दोस्तों, बहुत दूर है, 15 मिनट तो हो गए चलते चलते। तो चलो सीधा आपको लोकेशन पे मिलते हैं, यहाँ से मतलब छलांग मार के नीचे जाएंगे 2 मिनट अभी। सन्नी भैया जी दोस्तों 1 किलोमीटर वापस दौड़ना है, ठीक है? तो सन्नी भैया थक गए भाई, मतलब वहाँ से आए दौड़ के पूरा। सो मेरा माइक इसने लिया हुआ है, तो थोड़ी आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी। तुम शिवम के हाल देखो, जाना हमारे को यहाँ से है, और ये देखो क्या कर रही है, यहाँ से टॉप के गया, वहाँ से घूम के जा रहा है भाई। तुम भी हैवी ड्राइवर हो भैया, कह रहे इसका गेम खेल खेल के गेम वाला हाल हो गया, फ्री फायर में घुसा रहता दिन रात। वो तो मैं भी घुसा रहता हूँ, पर हम भाई लिमिट में खेलते हैं ना भाई। भाई आज पता नहीं भाई कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं ये हमारे को, घूम घूम के परेशान हो गया, अभी रेलवे ग्राउंड जा रहे हैं। सो भाई क्या करें यार, जाना तो पड़ेगा क्योंकि घास वहीं पर है, यहाँ तो घास नहीं है, यहाँ पे कबूतरों की बिट है। सो गाइस हम आ चुके हैं रेलवे ग्राउंड, अभी तो यहीं पे करेंगे, बढ़िया लग रहा है ये ग्राउंड है, खुला कितना। यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं हम बहुत बारी, मतलब अभी नहीं खेलते, पहले खेलते थे। सो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे हम।
सो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जाएंगे घर, क्योंकि घर भी जाना जरूरी है। पूरी एक्सरसाइज कर लिए तो अभी पुशअप वगैरह मार रहे दोनों, तो चलते यार घर, चलो सीधा घर चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई, तो चलो घर। सो दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं फाइनली, सारी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी घर पे आ चुका हूँ मैं, तो थोड़ी देर का भी रेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है यहाँ पे 7:30 और अभी मैं छत पे आ चुका हूँ। क्या कर रहे हो? ये क्या आपने फैशन बनाया है बालों का? तूने काट के रखे थे उस टाइम, मैंने लगा दिए। सो भाई देख लो अभी 7:30 बजे भी अच्छी रोशनी हो रखी है। सो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे बना रहे कटहल की सब्जी, जो कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तुम समझ गए होगे यार मेरी आवाज़ से अच्छी लगती है नहीं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे पपीता कट के रेडी हो चुका है। सो आओ इसका मर्डर करना शुरू करते हैं हम, ये इसका तरबूज का भी करेंगे बाद में। चलो दोस्तों पपीते का मर्डर करते हैं हम यहाँ पे। चलो दोस्तों खाते हैं ये, मीठा भाई मीठा। सो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है देखो बंटवारा, एक पापा का एक मेरा और एक गीतांशु का, मम्मी खाती नहीं पपीता। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है, जो कि है कटहल की सब्जी और साथ में रोटियाँ गरम गरम भाई अभी बन रही है। ये देखो भाई क्या स्वादिष्ट लग रहा है। पापा खेल रहे हैं यहाँ पे फ्री फायर, देख लो साथ में खाते हुए खाना। सो गाइस टाइम हो चुके हैं यहाँ पे 8:30 शाम के। सो अभी मैं भी खाना खाऊंगा। सो चलो दोस्तों सबसे पहले खाता हूँ मैं खाना, और अभी मतलब बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। सोच रहा हूँ कि यही पे एंड कर दिया जाए। सो होपफुली गाइज आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, आल्सो टैप ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड। सो दोस्तों आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, होपफुली व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, आप देख रहे हैं लाइव दिवाश, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू टाटा जय हिंद। समझ रहे हो? समझ रहे हो?